सरकार ने अगले 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा मुफ्त LPG कनेक्शन देने और लोगों को रसोई गैस की आसान पहुंच मुहैया कराने की योजना बना ली है। ये योजना देश में 100% लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिए तैयार की गई है। पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने कहा कि कम से कम ID प्रूफ के साथ और बिना स्थानीय निवास प्रमाण के कनेक्शन देने की योजना तैयार है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को जल्द ही केवल एक वितरक से बंधे होने के बजाय अपने पड़ोस के 3 डीलर्स से एक रिफिल सिलेंडर प्राप्त करने का ऑप्शन भी मिलेगा। कपूर ने कहा कि केवल 4 सालों में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड 8 करोड़ फ्री LPG कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे देश में LPG उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ हो गई है। इस महीने की शुरुआत में पेश केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की गई। सचिव ने कहा, हमारे पास LPG कनेक्शन के साथ लगभग 29 करोड़ घर हैं। 1 करोड़ कनेक्शन के साथ हम 100% घरों तक LPG पहुंचाने के करीब होंगे। हालांकि उन्होंने माना कि 1 करोड़ की संख्या में बदलाव हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे परिवार भी होंगे जो रोजगार तथा दूसरे कारणों से एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर गए होंगे। इधर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम मार्च या अप्रैल तक कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेल उत्पादक देशों से तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि भारत की आम जनता को तेल की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा था कि सर्दियों की वजह से डीजल पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हो गई हैं। सर्दियों में ऐसा होता है, अब सर्दियां खत्म हो गई हैं तो कीमतें भी सस्ती हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा तेल खरीदार है और वह तेल उत्पादक देशों जैसे कि रूस, कतर और कुवैत के साथ अन्य देशों को तेल का उत्पादन बढ़ाने का दबाव बना रहा है। जब तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो प्रति बैरल कॉस्ट में कमी आएगी और बाद में रिटेल तेल की कीमत भी गिर जाएगी। आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे हैं। तेल के दाम 16 गुना बढ़ गए। शनिवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई थी, हालांकि रविवार को तेल के दाम जरूर स्थिर रहे। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।